पहले मैच में हार के बाद बौखलाए टीम इंडिया के कप्तान हार्दिक पांड्या। पहला T20 हारने के बाद इन खिलाड़ियों पर जमकर बरसे कप्तान पांड्या। मैच के घंटे बाद हार्दिक पांड्या ने बताया कहां कमी रह गई। टीम इंडिया के न्यूजीलैंड के खिलाफ रांची में खेले गए पहले T20 मुकाबले में 21 रनों से हार का सामना करना पड़ा। कीवी टीम ने 20 ओवर में 176 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की 3 विकेट महज 15 रन के अंदर गिर गए। इसके बाद सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने पारी को संभाला, लेकिन वे भी ज्यादा देर तक नहीं टिक सके। सूर्य कुमार ने 47 रन बनाए, वहीं कप्तान हार्दिक पांड्या ने 21 रन बनाए। निचले क्रम पर वाशिंगटन सुंदर ने शानदार बल्लेबाजी की, उन्होंने 28 गेंदों में 50 रन बनाए, लेकिन टीम इंडिया को जीत नहीं दिला सके। मैच के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या ने हार की वजह बताई। पांड्या ने कहा, किसी ने सोचा भी नहीं था कि विकेट ऐसा खेलेगी। इसे देखकर दोनों टीमें हैरान रह गई, लेकिन उन्होंने इस पर बेहतर क्रिकेट खेला और इसका नतीजा ऐसा ही निकला। असल में नई गेंद पुरानी से ज्यादा टर्न ले रही थी और जिस तरह से स्पिन और बाउंस हुई उसने हमें हैरत में डाल दिया। हम जैसे तैसे बल्लेबाजी कर रहे थे, पीछे देखने पर मुझे नहीं लगता कि यह विकेट 177 रन का था। हमने गेंद से 20 से 25 रन अधिक दिए। यह एक युवा समूह है और हम इसी तरह से सीखेंगे। पांड्या ने वाशिंगटन सुंदर की तारीफ में कहा, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, फिर बल्लेबाजी की और फील्डिंग की, न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका दिन था। हमें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी कर सके। हमें काफी आत्मविश्वास था, यह हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा। बहरहाल इस मैच में हार के बाद टीम इंडिया लखनऊ में खेले जाने वाले दूसरे मुकाबले में वापसी करेगी। दूसरा T20 मुकाबला 29 जनवरी को खेला जाएगा। आपको बता दें, रांची के स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया को शिकस्त देकर न्यूजीलैंड ने जीत के साथ श्रृंखला का आगाज किया। मिशेल सेंटनर की टीम ने 21 रन से यह मुकाबला अपने नाम कर लिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कीवी टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर 177 रन बनाए थे, जिसको हार्दिक पांड्या की कप्तानी में टीम इंडिया हासिल करने में नाकामयाब रही और 21 रन से मुकाबला हार गई। आप भी इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।